हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विजय अवस्थी, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन भी वीडियोस की मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री, और जो मेन इस टॉपिक को हम बोल सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हिंदी में ऊंचाई और दूरी। तो स्टूडेंट, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है उसे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारी जो एक्सरसाइज है वो हम यूज कर रहे हैं अपने यहाँ से आरडी शर्मा बुक, और आरडी शर्मा बुक में हम जो हमारा चैप्टर है वो चल रहा है हमारा 12.1। तो स्टूडेंट, हमारा जो 51 इंग्लिश मीडियम वाली बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 51 पे दिया हुआ है। अलग अलग जो हमारे एडिशन है उनमें क्वेश्चन का जो वेरियंट हो सकता है, क्वेश्चन का नंबर चेंज हो सकता है। बट स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, तो हम इसे समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, तो देखिए, इफ द एंगल ऑफ द एवोल्यूट, यहां से स्टूडेंट देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को, द एंगल ऑफ द एवोल्यूट, इफ द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कोई ए पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट, कोई ए पॉइंट है जिससे एक झील के झील पे ऊंचाई पर एच ऊंचाई से कोई पॉइंट है, वहां से किसी बादल का, बादल को हमने माना है पी, क्लाउड मीन्स बादल, बादल है उसका जो है आपका एवोल्यूशन एंगल जो है, यानी कि उन्नयन कोण जो है वो क्या दिया हुआ है, हमें अल्फा दिया हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पर अबव ए जो दिया हुआ है, लेक इस ए जो है ये अल्फा दिया हुआ है एंगल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में जो है थोड़ा वो लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, तो ये क्या है, ये अल्फा एंगल है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां से देखिए, एंड द एंगल ऑफ द डिस्पर्सन, और उसी सेम पॉइंट से, यानी कि सी पॉइंट से एंगल ऑफ डिस्पर्सन, यानी कि अवनमन कोण जो है वो क्या है, ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लेक इज बीटा, बी की जगह ये क्या है स्टूडेंट, बीटा है, ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है, एंगल क्या दिया हुआ है, बीटा है ये। तो यहां से देखिए, अवनमन कोण जो है वो क्या है, बीटा है। अच्छा, प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट सी से लेके क्लाउड तक की, यानी पी जो है ये डिस्टेंस क्या है, 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझ लेते हैं कि हिंदी में हमें क्वेश्चन कुछ किस प्रकार से दिया हुआ है। एक झील के तल से h ऊंचाई, h मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से बादल का अवनमन कोण अल्फा है, और झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण जो है वो बीटा है। सिद्ध कीजिए कि बादल से उस बिंदु की दूरी 2h sin sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा है। तो स्टूडेंट, यहां से हम समझ लेते हैं। तो देखो, जो रिफ्लेक्शन एंगल जो आ रहा है, उसके प्रतिबिंब का रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो क्या है, बीटा है, क्योंकि हमें पता है एवोल्यूशन कोण एंगल जो होता है इक्वल टू डिस्पर्शन एंगल होता है, जो उन्नयन कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, अवनमन कोण के बराबर होता है। इसलिए ये जो बीटा जो एंगल है ये इक्वल टू इस वाले बीटा, यानी अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण हो जाएगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए, हमने अपने क्वेश्चन के अंदर इन्हें कुछ नाम दे दिए हैं, यानी कि जो क्लाउड जो है उसे हमने पी नाम दे दिया है, पी से डिनोट कर रहे हैं, और जो ऑब्जर्व जो हमारा पॉइंट जो है लेक से एच ऊंचाई पर जो है, कुछ ऊंचाई पर यानी एच मीटर ऊंचाई पर जो है वो क्या है, सी पॉइंट है। तो स्टूडेंट, यहां से लेक से लेके जो हमारी क्लाउड है उसकी डिस्टेंस क्या हो गई है, डी मान ली है। अब सेम आप देखिए, अगर किसी चीज की ऊंचाई अगर हमने मानी है डी है, तो स्टूडेंट उसकी परछाई की ऊंचाई है, जो पानी में जो रिफ्लेक्स जो होके जो इमेज जो बनेगी, तो उसकी भी जो लेंथ जो बनेगी वो भी क्या मानेंगे हम, डी ही मान के चलेंगे। और उस पॉइंट को जो है हमारे उसे हमने एफ माना है, और स्टूडेंट्स डी से लेके एफ तक की, यानी कि जो पॉइंट है वहां से लेके जहां से जो हमारा क्लाउड है उसके डाउन पॉइंट की, डीप पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है उसकी दूरी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहां से हम सबसे पहले जो लेंगे, सबसे पहले हम हमें एंगल लेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम समझ लेते हैं। ट्राइंगल ले रहे हैं हम पी सी ई, क्या ले रहे हैं, पी सी ई, ठीक है, लेते हैं। तो स्टूडेंट अब जो हम यहां से क्या आ जाए, इन ट्राइंगल क्या लेते हैं, पी सी ई, पीसीई ट्राइंगल में ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए पीसीई में क्या हो जाएगा, 10 अल्फा, क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट यहां से जो हमने अपने ये पॉइंट जो लिया है, जो इसकी हाइट जो हम लेके चले हैं, जरा मैं मार्कर को थोड़ा
ये कुछ ज़्यादा बोल्ड हो रहा था, थोड़ा इसे बारीक कर लेते हैं। टेन एल्फा इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट हम देखते हैं जो हमारी ये ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारा बी पॉइंट से लेके पी तक का जो है ये डिस्टेंस क्या है, डी है। अब इसमें से क्योंकि जो हमारा लेक है, लेक का जो बेस है यानी लेक का, झील का जो तल है, उससे एक उससे कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट है जो एच ऊंचाई पे है। तो यहां से स्टूडेंट अगर हम सी पॉइंट तक की ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दूरी हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, डी माइनस एच, डी माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इसमें से क्या करना होगा, डी में से ये एच जो होगी ये दूरी यानी कि बी ई का पार्ट जो है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये क्या बन के आ जाएगा हमारा, टेन एल्फा इज इक्वल टू डी माइनस एच अपॉन, अब देखिए ये बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हमारा एक्स, यहां से लेके यानी सी से लेके ई तक की दूरी क्या है हमारी, एक्स है। तो क्यों, टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस क्या है हमारा यहां पर, एक्स है। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं सी डी एफ। तो स्टूडेंट सी मार्क कर देता हूं मैं, सी डी और एफ में, इस वाले में जिसके अंदर हमने अपना डिस्पर्शन एंगल लिया था ना, उसी के अंदर जो उसकी परछाई के साथ जो हमारा ट्राइंगल बनेगा। तो यहां से अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल सी डी एफ। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर जो एंगल बना था वो क्या बना है हमारा, टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन हाइट अपॉन परपेंडिकुलर होती है। तो स्टूडेंट अब यहां पर हाइट जो बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी प्लस एच, क्योंकि डी ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी डी, और इसके साथ में ऊपर वाली ये हाइट ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, डी प्लस एच हो जाएगी। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगी हमारी इस एंगल के लिए, ये हो जाएगी डी प्लस एच अपॉन एक्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर वन को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से माइनस कर देंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर दो में से इक्वेशन नंबर एक को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे घटाने पर। तो स्टूडेंट घटाने पर क्या आएगा हमारा, देखते हैं, तो यहां से हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। देखिए टेन की ये वैल्यू जो है टेन एल्फा और टेन बीटा, तो समीकरण दो में से हमने समीकरण एक घटाई है, तो टेन बीटा माइनस टेन एल्फा हो गया इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये भी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, यानी इनकी वैल्यू क्या थी, डी प्लस एच अपॉन एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, डी माइनस एच अपॉन एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहां से इन दोनों का ये डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं इनका एलसीएम, तो मैं यहां पर साइड में नोट कर लेता हूं, टेन बीटा माइनस टेन एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर तो सेम आ जाएगा एक्स, और ऊपर से आ जाएगा आपका डी प्लस एच। अब देखिए ब्रैकेट में ये बीच में जो है आपका माइनस है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो डी और जो एच जो है ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट डी से डी कैंसिल हो जाएगा, अब देखिए एच और एच क्या हो जाएगा, टू एच, यानी टू एच अपॉन एक्स। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो स्टूडेंट यहां से आप ध्यान रखिएगा, हमें हमारे टेन बीटा माइनस टेन एल्फा की वैल्यू क्या आई है, एच प्लस एच क्या हो जाएगा, टू एच, यानी टू एच अपॉन एक्स। तो यहां से अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, टेन बीटा माइनस टेन एल्फा, सॉरी ये क्या है, टेन बीटा माइनस टेन एल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 2h अपॉन एक्स। अब हमें क्या करना है, यहां से देखते हैं हम, ये जो हमारी वैल्यू जो आई है स्टूडेंट्स, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, फिर से एक ट्राइंगल लेंगे हम, जिस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे, ट्राइंगल पी सी ई, यानी कि ट्राइंगल पी, हाईलाइट ले लेते हैं हम पी सी ई में, क्योंकि हमें जो निकालना है अपने क्वेश्चन के अंदर, हमें वैल्यू निकालनी है पी सी की, यानी कि जिस पॉइंट से ऑब्जर्व जो हम कर रहे हैं, झील के ऊपर जो पॉइंट है एस, वहां से लेके बादल तक की, जो क्लाउड जो है बादल तक की दूरी हमें बतानी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पी सी की। अब पी सी जो है, पी सी क्या है, ये है हाइपोटेनस, यानी हिंदी में हम कह सकते हैं ये कर्ण है। तो हमें यहां पर क्या लेना पड़ेगा, कर्ण, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के अंदर हमें कर्ण यानी हाइपोटेनस यूज होता है, वही हमें लेना पड़ेगा। और ये हमारे किस में यूज हो जाता है, कॉस के अंदर यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल पी सी, पी सी ई लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखिए स्टूडेंट कॉस
अल्फा। देखिए जो हमारा एंगल जो बनना है ये कौन सा बनना है यहाँ पर अल्फा, तो कॉस बराबर क्या होता है, देखो स्टूडेंट कॉस बराबर क्या होता है, एल ए एल अपॉन के, कॉस बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट यहां से बेस क्या है, बेस की वैल्यू क्या है आपकी, बेस की वैल्यू क्या थी, एक्स थी, और हाइपोटेनस क्या है, पी सी, ठीक है ना, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, पी सी। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहां से देखते हैं कॉस एल्फा इजकल टू एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हम यहां से लेंगे। देखिए एक्स की वैल्यू क्या आई थी, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई है, एक्स की वैल्यू जो अभी हमने ली थी, देखिए एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है यहां से, अगर हम इन दोनों का पक्षांतर करते हैं, यहां से अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो स्टूडेंट पहले हम एक काम करते हैं, यहां पे मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके जो है एक्स की वैल्यू बना लेता हूं। तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू क्या हमारी बनेगी, ट्रांसफॉर्म अगर हम इसे करते हैं तो यहां से एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू हो जाएगा आपका 2h अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये किससे आ गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 से ही हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब यहां से इस एक्स की वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में यहां पर जो है एक्स की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो यहां से स्टूडेंट अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन एल्फा इजकल टू 2h अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एल्फा, ठीक है, टेन बीटा माइनस टेन एल्फा इंटू क्या हो जाएगी, पी सी, ठीक है। अब स्टूडेंट हम यहां से देखिए सेक एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कोसेक। तो यहां से क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोसेक हो जाएगा इज इक्वल टू 2h अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एल्फा इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पी सी। अब स्टूडेंट इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि ट्रांसफॉर्म करेंगे। जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, टेन बीटा माइनस टेन एल्फा इंटू पी सी इजकल टू 2h इंटू सेक एल्फा, ठीक है। अब यहां से स्टूडेंट पी सी की क्योंकि हमें वैल्यू पूछी है तो यहां पर टेन एल्फा माइनस टेन बीटा की मल्टीप्लाई हो रही है, साइड चेंज होने पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसे ट्रांसफर करते तो पी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2h सेक एल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। तो स्टूडेंट हमसे जो वैल्यू जो पूछी थी कि हमारे उसकी वैल्यू क्या बन के आएगी पी सी की, यानी कि पॉइंट से लेके हमारे जिसकी डायगोनल थी उसकी वैल्यू बन के क्या आ रही है, तो वो वैल्यू हमारी बन के आ जाएगी यानी उस पॉइंट से लेके बादल तक की जो भी क्लाउड है, क्लाउड तक की दूरी की क्या निकल के आ रही है हमारी, पी सी की वैल्यू क्या हमें प्रूव करनी थी, यही हमें प्रूव करनी थी स्टूडेंट्स, क्या 2h अपॉन 2h इंटू सेक एल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एल्फा, ये वैल्यू हमें प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट्स हमारी ये वैल्यू जो है वो प्रूफ हो चुकी है और हमारा आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप वीडियो को देखते रहें, अच्छे से क्वेश्चन को समझें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।